लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के इरादे से नागौर सीट पर कांग्रेस और आरएलपी ने तमाम मतभेद भुलाकर भले ही गठबंधन किया हो, मगर एक दूसरे के धुर विरोधी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल के बीच का मनभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब गहलोत नागौर सीट पर गठबंधन सहयोगी हनुमान बेनीवाल का प्रचार करने पहुंचे। मजेदार वाकया तो तब हुआ जब एक तरफ मंच पर कांग्रेस और आरएलपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे तो दूसरी तरफ नागौर प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ही गायब हो गए। प्रचार के दौरान प्रत्याशी के गायब होने की चर्चा ने सियासी गलियारों में जोर पकड़ लिया। सवाल उठने लगे कि आखिर हनुमान कहां फुर हो गए, क्यों उन्होंने गहलोत के साथ मंच साझा नहीं किया। दरअसल गहलोत आरएलपी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। उम्मीद थी कि इस सार्वजनिक सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल एक मंच साझा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गहलोत की मौजूदगी इस सभा में कांग्रेस, आरएलपी और इंडिया गठबंधन से जुड़े दर्जन भर से भी ज्यादा नेता मंच पर नजर आए, लेकिन जिस प्रत्याशी के समर्थन में सभा थी वही मंच से नदारद रहा। इसे लेकर मौके पर सभा स्थल पर और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया यूजर्स गहलोत और बेनीवाल के संबंधों पर चटकारे लेने लगे। गहलोत की मौजूदगी में मंच पर भले ही प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने जरूर उनकी नुमाइंदगी की। नारायण ने सभी अतिथि नेताओं का स्वागत किया। गहलोत के साथ मंच साझा नहीं होने के पीछे हनुमान बेनीवाल के अन्य जगहों पर चुनावी प्रचार में व्यस्तता का कारण सामने आया। उन्होंने पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक रामनिवास गावड़िया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता लच्छाराम बडारडा के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में प्रचार किया। जानकारी के अनुसार गहलोत के नागौर दौरे के दिन बेनीवाल ने जावला से जनसंपर्क की शुरुआत की। उन्होंने बीठवालिया, कराड़ा, गुलर, हरनाबा, बड़, भादबा, जंजला, ललाना कला, चिताई, हलडानी, खिदरपुरा, किनसरिया, बिदियाद, खोखर, रुनीजा, गांगवा, गुढ़ा, मंगलाना, मंडावरा, नारायणपुरा, पलाड़ा, मीठड़ी, लिचाना, पदमपुरा, सरगोठ, जसराना, रसाल, आनंदपुरा और आखिर में पर्वतसर शहर में भी जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार के कारण भले ही हनुमान बेनीवाल ने गहलोत के साथ मंच साझा नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके नागौर दौरे को लेकर आभार जरूर जताया। बेनीवाल ने उनके समर्थन में गहलोत के कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की। बहरहाल 19 अप्रैल यानी मतदान से पहले दोनों नेताओं के बीच का मनमुटाव एक बार फिर जग जाहिर हो गया है। अब बेनीवाल के समर्थन में गहलोत की सभा का नागौर की जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।